ऑब्जेक्टिव शीट फोर का क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, वन में डाउट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस गिवन है ना, और ऑपोजिट चार्जेस है तो ये डायपोल बन गया, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो ये सेपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय 2a, तो 2a 30 सेंटीमीटर, 30 × 10, 3 × 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो q into 2a में 2a की पूरी वैल्यू ये पूरी रिप्लेस करनी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी 2a ही है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, कितने लोगों ने ट्राई किया ये असाइनमेंट, ठीक है 2 में डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 3 में चार्ज q इज गिवन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ r वेक्टर, ठीक, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर आपको गिवन है, वर्क डन क्या होगा, देखो जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट R वेक्टर, जो फोर्स है उसको क्या लिख सकते हैं, Q इंटू E वेक्टर, क्योंकि F इज इक्वल टू QE, तो Q इंटू E वेक्टर डॉट R वेक्टर, E वेक्टर को क्या लिखेंगे, E1 I कैप, E2 J कैप ऑलरेडी गिवन है, और R वेक्टर को क्या लिखेंगे, A I कैप प्लस B J कैप, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, I डॉट I1 J डॉट J1, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा, ऑप्शन मार्क करेंगे। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर का क्वेश्चन है, एफ वेक्टर क्यू इंटू ई वेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है बस, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, लास्ट टाइम हमने किया था फॉर्मूला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 और 7, देखो सेवंथ में डिस्कस करना चाहता हूं, सेवंथ में इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैंने 3 केस बनाए हैं इसमें सेवंथ में। पहला केस कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है डाउनवर्ड्स, और आपको ये एक मान लो पेंडुलम गिवन है और नीचे एक बॉब गिवन है कुछ इस तरीके से, जिसका वेट है mg, इसके ऊपर q चार्ज है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इज अ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ये नेट फोर्स है। तो अब पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स एड कर रही है QE, तो इस केस में t इक्वल टू 2π√L/g में g डैश निकालना पड़ेगा, वो क्यों, क्योंकि नेट फोर्स अब mg नहीं रही, mg के साथ क्या ऐड हो गया, QE, तो फोर्स आपकी बढ़ गई, mg प्लस QE किसके इक्वल है, mg डैश। अब क्योंकि m तो चेंज होगा नहीं, तो यहां पर क्या आएगा, g डैश, तो g डैश की वैल्यू आ गई, इस g डैश की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो टाइम पीरियड का आंसर आएगा। ये पहला क्वेश्चन है, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि यहां पर किस चीज में चेंज आने वाला है, g डैश में। फिर से इसका वेट कितना है, mg, QE फोर्स नीचे एक्ट कर रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सोचे एक मिनट के लिए, यहां पर QE नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो, ये उड़ गया, तो G डैश और G बराबर हो गया, तो नेचुरल ये सिंपल पेंडुलम हो गया, T इज इक्वल टू 2π√L/g आंसर है। पर प्रॉब्लम यहां पर है कि वेट बढ़ गया, वेट क्यों बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वेट के साथ एक्ट होनी स्टार्ट हो गई। अब नया वेट क्या आ गया, इतना आ गया, नए वेट को कैसे लिखते हैं, मास थोड़ा ना चेंज होता है, जी चेंज होता है, तो यहां से एम 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 नीचे आ गया, इसको उठा के नीचे पुट करना है। पॉइंट नंबर वन क्लियर। लेकिन अगर आपका फील्ड ऊपर होता, वेट कम हो जाएगा, क्योंकि वेट कहां कर रहे हैं, नीचे, क्यूई फोर्स कहां कर रही है, ऊपर। अब नया वेट क्या होगा, एम जी में से क्या माइनस करेंगे, क्यूई, क्योंकि क्यूई फोर्स वेट को रिड्यूस कर रही है, नया वेट क्या आ गया, एम जी डैश, एम नीचे आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g डैश। अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा आया तो ये करना है, ऐसा आया तो ये करना है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है तो अब नेट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, जी कहाँ है, नीचे, एक्सेलेरेशन से सीधा बोलो, एक्सेलेरेशन क्या है, क्यू ई बाई एम, क्योंकि क्यू ई तो फोर्स है, एम से डिवाइड किया तो एक्सेलेरेशन राइट है, नेट एक्सेलेरेशन क्या है, इन दोनों का वेक्टर सम, तो इनका वेक्टर सम जी डैश देगा, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर, तो यहां से पुट करके आंसर आएगा। अभी अपना रिस्पेक्टिव केस देख लेना, बुक्स में बहुत तरीके के क्वेश्चन हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन हैं, तीनों मैंने लिख दिए, जैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैसा आपका आंसर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन डाउट, 8th हो गया, अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है, 2 टाइम्स,
प्रोटोन, याद रखना 2 into E। नेक्स्ट है 9th में डाउट, 10th में डाउट, 11th बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो आपके पास एक डायपोल है, डायपोल पे क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है क्यू एंड क्यू, तो नेट फोर्स क्या है? जीरो, क्योंकि क्यू एंड क्यू नेट फोर्स जीरो देगा। लेकिन इसमें टॉर्क जनरेट होगा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्यू एंड क्यू आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो इस डायपोल को घुमा देंगे। तो क्वेश्चन है टॉर्क तो जनरेट होगा लेकिन नेट फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। तो नेट फोर्स जीरो और इसमें टॉर्क जनरेट होगा, ये मार्क करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, ये शीट के बाद, फोर के बाद शीट नंबर फाइव भी दी थी। शीट नंबर फाइव द फर्स्ट क्वेश्चन हटाया मैंने, मतलब आप खुद देख सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन कैसा था, तो मतलब बनता नहीं था, थोड़ा ज्यादा टल गया था। तो किसको वैसे लेना हो तो क्लास के बाद डिस्कस कर ले, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अदरवाइज थोड़ा लेवल अलग ही था इसका। यहां से करते हैं सेकंड क्वेश्चन में डाउट, क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट। थ्री में देखो, टू पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बाई टू, तो आप देख रहे हो इसमें माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बाई टू आर सिचुएटेड एट द ओरिजन, एट ओरिजन एंड एट पॉइंट ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, तो ये एक्स एक्सिस पे दो चार्जेस है। तो ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो का मतलब इनके बीच में दूरी कितनी है? ए। क्वेश्चन है पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे वो कह रहा है कोई पॉइंट बताओ कितना दूर होगा वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस, तो वो पॉइंट कहां से निकलेगा, डिस्टेंस कहां से लूं ओरिजिन से, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस कहां से ले जाएंगे फ्रॉम ओरिजिन। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां पर? जीरो। अब पहली चीज जो माइंड में आती है ना, वो ये आती है कि एक चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज क्यू बाई टू है और इनके बीच में डिस्टेंस ए है। पहली चीज माइंड में आएगी ये पॉइंट यहां ले लेते हैं जहां चार्ज कितना है? प्लस वन। ठीक है, यानी कि इनके बीच में लेते हैं, हर बंदा पहले बीच में लेता है, मैं भी पहले बीच में लेता हूं। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे नेट फोर्स की वैल्यू यहां पर या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो करना है, तो यह नेगेटिव प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। और यह पॉजिटिव प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल। अब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में कैंसिल तो करेंगे नहीं, इसका मतलब नेट फील्ड जीरो होगा नहीं। इसका मतलब कि आपको ये चार्ज या ये पॉइंट इनके बीच में नहीं मिलने वाला। तो फिर कहां मिलने वाला है? ये माइनस क्यू, ये क्यू बाई टू, डिस्टेंस इनके बीच में ए, यहां कहीं मिलेगा। वो क्यों? एक्सिस के बाहर मिलेगा, इनके डिस्टेंस के बाहर मिलेगा। वो क्यों? पॉजिटिव चार्ज इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। माइनस चार्ज इस प्लस वन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। दो वेक्टर्स ऑपोजिट हो गए एंड दे विल कैंसल ईच अदर, तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? जीरो। कोई डाउट इसमें? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि मैंने इनके बीच में क्यों नहीं लिया, क्योंकि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं जिससे कि नेट आंसर जीरो नहीं आ पा रहा। और इसके अंदर मैंने क्या लिया? इसके अंदर नेट आंसर जीरो आ सकता है क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और दो वेक्टर आपस में कैंसिल कर रहे हैं। तो मैंने जानबूझ के यहीं पे लिया ये देखो। तो इसके अंदर नेट फील्ड जीरो करना है और ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो ये डिस्टेंस कहां से लेना? फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है? एक्स। तो मैंने एक्स ले ली। तो अब ई की वैल्यू, ये चार्ज इस प्लस वन को रिपेल करेगा, 1/4πε0q/2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस एक्स है, ये ए है, तो ये कितना है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये नेगेटिव इस प्लस वन को अट्रैक्ट करेगा, 1/4πε0q/x² लेफ्ट की तरफ। तो क्योंकि नेट फील्ड जीरो करना है, तो ये वैल्यू इसके इक्वेट कर देनी है। इक्वेट किया, क्यू बाई टू, क्यू से क्यू भी कैंसिल हो गया, अंडर रूट लिया, ये x बन गया, रूट टू बन गया, x माइनस ए बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। नहीं, वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बाय प्रैक्टिस ना पता लग जाता है। वो क्या करता है, जब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा करता है, उसको ना मालूम पड़ जाता है कि अगर मैं बीच में रखूंगा तो आंसर आएगा नहीं,
मन में बना लेते हैं, वेक्टर बना लेता है वो, उसको पता नहीं आएगा, फिर राइट की तरफ ही लेगा, क्योंकि लेफ्ट का कोऑर्डिनेट तो इसमें नेगेटिव गिवन है ही नहीं, तो राइट की तरफ ही पॉइंट निकलने वाला है, उसको पता लग जाता है इसमें बाई प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब आप अभी फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम कर रहे हो, आप सोच रहे हो यहाँ होगा या वहाँ होगा, मतलब अगर मेरे से का हो गए मुझे पता है यार या बीच में मिलेगा या राइट मिलेगा या लेफ्ट मिलेगा, तीन रीजन और कोई रीजन मिलेगा भी नहीं, नॉर्मली राइट पे मिल जाता है ऑप्शन देख के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो में कर ही रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो करके आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट जो है थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ किया, दोनों पार्ट्स किए कि पहले पार्ट में आंसर आ गया, मेरे को लगता है इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है इसे। देखो कैसे, टू पॉइंट चार्जेस एक 4q और एक q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ l, 4q एंड q l, अ थर्ड चार्ज कैपिटल q इज टू बी प्लेस्ड दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। वो कह रहे हैं जी यहां पर एक चार्ज रख दो बीच में ताकि ये भी और ये भी तीनों किस में रहेंगे, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन नेट फोर्स जीरो। तो ऐसे केस में द लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये चार्ज कहाँ रखा जाए, तो आपको एक्स बताना है, तो मान लो एक्स दूरी पे रखा जाए, ये एक्स ले लेते हैं तो एल माइनस एक्स हो जाएगा, और चार्ज की वैल्यू भी निकालनी है मुझे क्या होगी। चलो पहले दूरी निकालते हैं, सबसे पहले जब मैंने कैपिटल क्यू को यहाँ रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स रखा, तो बची हुई दूरी क्या हुई, एल माइनस एक्स। इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल किया 1/4πε0q × q/l − x² और इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल किया 1/4πε0 4q³ x². नेट फोर्स जीरो करने के लिए दोनों को मैंने इक्वल किया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू 2l/3 आ गई। चलो ऑप्शन देखें, x की वैल्यू 2l/3, चलो ये दो ऑप्शन तो गए, क्या बचा 2l/3 2l/3। क्या आगे क्वेश्चन सॉल्व करूं कि नहीं, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 2l/3 फ्रॉम 4q फ्रॉम q और हमारी दूरी कहां से है, फ्रॉम, आंसर आ गया, जरूरत ही नहीं है। चलो मान लो जी आपको पहला पार्ट आया ही नहीं, वो कहता है जी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाल लो, तो ये मेथड ही फेल है पहले वाला, क्योंकि इसने चार्ज तो निकालना ही नहीं, इसने तो डिस्टेंस दूरी निकालनी है, तो आधे पार्ट के लिए तो सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, पर चलो चार्ज आ गया डिस्टेंस नहीं आया, अब क्या करें, अब बाकी चार्जेस भी किस में प्रेजेंट है, इन इक्विलिब्रियम, तो अब उनका इक्विलिब्रियम बनाएंगे, तो इसका तो बन गया, इसके इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस आ गया। अब एक काम करेंगे, अब पड़ोस का किसी भी चार्ज को पकड़ेंगे, उसका इक्विलिब्रियम बनाएंगे, तो मान लो ये चार्ज पकड़ लिया, अब ये चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, ये चार्ज भी इसे रिपेल कर रहा है, दोनों को ऐड किया, इक्वल टू जीरो किया, इन्हें सॉल्व किया, तो ये टर्म आई, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि एक्स इज इक्वल टू 2l/3 पे इक्विलिब्रियम है, तो एक्स की वैल्यू पुट की 2l/3, तो यहां से चार्ज की वैल्यू आई, ये आएगी। मतलब पार्ट्स तो दोनों करने पड़ेंगे अगर आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ लिया, नहीं तो आपको, आपके पास एक्स और चार्ज दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, अदरवाइज अगर आप एक से करेंगे और ये वैल्यू नहीं पुट करते तो यहां पर एक्स में फंस जाओगे, निकालना चार्ज है इन टर्म्स ऑफ एक्स तो निकालना नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड के लिए डिस्टेंस तो चाहिए, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए चार्ज नहीं चाहिए। अब आप देख लेना आपके पेपर में क्या आता है और कैसे करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? ठीक, मतलब ये एक्सपीरियंस से आएगा, मतलब मैंने किया हुआ है, घर पे भी किया, फिर दूसरे बैच में भी किया, और मेरे को रटा पड़ा है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछा उन लोगों ने, अब मेरे को ये भी बताया कि क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, मतलब तो इसे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर इतने पार्ट करने की जरूरत क्या है, फर्स्ट पार्ट हो तो गया, तो फिर मैंने कहा कि फर्स्ट पार्ट तो हो गया, उससे आपका ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, पर कल को उसने नए क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ओनली पूछ लिया, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको दोनों पार्ट सीक्वेंस में निकालने ही पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन फिफ्थ में डाउट, फिफ्थ हो गया, डायरेक्शन निकालनी है वैसे ई की, प्लस वन रख के निकलेगी, कितनों का हो गया, हो गया, डाउट तो नहीं है कोई। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, बड़ा इरिटेटिंग है ना, बहुत लंबा सा क्वेश्चन, चलो करके देखते हैं कैसे। इसमें ना आपको ये बताना है
कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं, एक दो और तीन, और ओरिजिन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पहले चारों केस में ई निकाल लो, फिर ये बताओ किसमें ई बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सीक्वेंस भी बनाओ। चलो ई निकालते हैं। ई निकालने का तरीका, इसके अंदर ओरिजिन पे क्या रखा, प्लस वन। इस 5q ने इसे क्या किया, रिपेल। तो ई की वैल्यू क्या है, 1/4πε₀₀⁵q/r² मान लो आर स्क्वायर। इस 2q ने भी क्या किया, रिपेल, 1/4πε₀₂q/r² माइनस 3q ने अट्रैक्ट, तो 1/4πε₀₃q का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये दोनों वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है, जो आंसर आएगा इसके साथ 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट निकलेगा, आंसर आएगा। फिर ऐसे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। काफ़ी लंबा नहीं है, लंबा है, छोटा करते हैं। एक काम करो, इमेजिन कर लो इस क्वेश्चन में कि 1/4πε₀₀q/r² की वैल्यू इज ई, और अगर मैं चार्ज 5q करूंगा तो आंसर इज 5e। ये देखो, प्लस 2q ने प्लस 1 को रिपेल किया, आंसर इज 2e। 5q ने किया तो 5e, माइनस 3q ने किया तो 3e, 3e 2e 5e, 5e 5e 90 डिग्री पे है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट आ गया। पेन को भी क्या हाथ लगाना, आ गया √2 × 5e। फिर ऐसे ही इसको कर लो, प्लस 1 3e 2e 3e e और 2e, तो यहां से 2e प्लस e 3e 3e √2 3। समझ में आ रहा है, ये बेस्ट तरीका है, नहीं तो उलझे रहोगे इसमें, 1/4πε₀₀ हो नहीं पाएगा, छोड़ दोगे क्वेश्चन अननेसेसरी। तो ये बेस्ट तरीका है, अगर ऐसे बहुत सारे चार्जेस आए तो ई मान लें इसकी वैल्यू, जितने टाइम चार्ज मल्टीप्लाई होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतने टाइम मल्टीप्लाई करते जाएं और वेक्टर सम ले लें, अब आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको ट्रिक पता लग गया, पता लग गया ट्रिक। देखो अब लगा लो ई और 4e और ऐसे, कैसे? वो कह रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, पांच चार्जेस तो दे दिए। वो कह रहे यहाँ पे सिक्स्थ चार्ज मैं कितना रखूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 6e आ जाए। अब ये चार्ज इसे क्या कर रहा है, कैंसल। ये चार्ज इसे क्या कर रहा है, कैंसल। ये चार्ज प्लस वन को रिपेल करेगा मान लो ई। ये चार्ज कितना रखूँ, 5e विद नेगेटिव साइन, 5 माइनस 5q, ताकि 5e भी लेफ्ट की तरफ आए, तो e प्लस 5e 6e हो जाए, तो माइनस 5q चार्ज रखना पड़ेगा। तो सीधा ऐसे ही e और e 5e 4e करके ठीक हो जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, कोई डाउट इसमें क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट सेवन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 8th में डाउट। 8th क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9th में डाउट। 9th का आंसर मैंने गलत मार्क किया हुआ है, अलोंग सी भी आएगा, गलत है, अलोंग सी भी आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, जहाँ ई निकालना है, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है, पर 3q का अफेक्ट बड़ा होगा तो नेट फोर्स इधर आएगी, 4q का अफेक्ट 2q से बड़ा है तो नेट फोर्स इधर आएगी, इनका रिजल्टेंट नीचे आएगा, नीचे का मतलब अलोंग सी बी, गलत है, ए बी नहीं, अलोंग सी बी आएगा। वैसे की में आंसर सी बी ही लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ तक? तो अलोंग सी बी। 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th, 10th क्वेश्चन में स्पेशली मेडिकल वालों के लिए, कि यहाँ पर इनफाइनाइट चार्जेस पड़े हुए हैं एट 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter अप टू इन्फिनिटी। कितने चार्जेस पड़े हुए हैं, क्यू 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 चार्जेस पड़े हुए हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सम निकालना है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे प्लस वन चार्ज रखा, इस क्यू ने प्लस वन को रिपेल किया, इस क्यू ने भी रिपेल किया, उस क्यू ने भी रिपेल किया, सारे वेक्टर एक तरफ, तो ऐड करेंगे, इस क्यू का अफेक्ट क्या है, 1/4πε₀₀q/1² q/2² q/4² q/8² टिल इन्फिनिटी। तो इस टर्म को ध्यान से देखेंगे, क्यू बाहर आ गया, मेडिकल के लोग स्पेशली पिछली टर्म को उससे पहली वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, आंसर सेम आ रहा है 1/4, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 1/4, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, रेशियो कॉमन है, कॉमन रेशियो, और इस सीरीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, और ये इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट जीपी का सम मैंने प्लस वन के अंदर लिखवाया था,
ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें वन, आर का मतलब है रेशियो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आएगी, वन इज टू फोर आंसर आ जाएगा, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा। ठीक, नॉन मेडिकल वालों को तो क्लियर है, ये मेडिकल वालों को क्लियर है।